सब सुन सके मैं वो बात हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, अव्यक्त हूँ मैं साथ हूँ, सब सुन सके मैं वो बात हूँ, सब सुन सके मैं वो बात। शांति, ओम शांति का स्वागत करते हैं हम। समझते हैं आज तो आप लोग एक्स्ट्रा खुश हो गए होंगे, एक्स्ट्रा खुश तो हो ही हो, फिर भी चेरी ऑन द केक ऐसे कहते हैं ना, है ना। और गोकुल भाई को देख के तो और ही खुश हो जाते हैं। ऐसे तो हमारी हेमा बहन हमें माने इनके ही उंगली सब पकड़ के तो हम भी बड़े बड़े हुए। जब सैन फ्रांसिस्को में भी था तो बहुत सारे ऐसे मेमोरीज है ना, तो हेमा बहन का अधिकार होता ही है और अच्छा लगता है। और हेमा बहन बुलाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं, कभी ना नहीं कह सकते। और वैशाली बहन का भी ये अच्छा आइडिया है कि बुला लेते, अगर ना बोले तो नहीं। हेमा बहन कह रहे थे कि आप आए तो अच्छा रहेगा, तो हेमा बहन का नाम सुन लेंगे तो हम और भी अब क्या कहे। तो बहुत थैंक यू वेरी मच। और जैसे हेमा बहन ने कहा कि टॉपिक ऐसा रखा है क्योंकि अगर हम कहे कि मर जीवा जन्म तो ठीक है, वो कभी क्या कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक शब्द है सेलेक्टिव हियरिंग सिंड्रोम, है ना। सेलेक्टिव हियरिंग सिंड्रोम वो होता है कि कोई बात हम बहुत बार सुनते 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 रहेंगे ना, तो सडनली क्या हो जाता है कि उस शब्द से हमको एक तरीके से एक एफिनिटी हो जाता है और एक दूरी भी हो जाती है, फिर उसका फिर लगता नहीं है वो, जैसे वो शब्द का जैसे कि हम पर फिर लागू नहीं होता है, राइट। तो इसलिए बाबा भी है ना अलग अलग तरीके से अपने को मुरली में क्यों समझाते हैं, है तो वही बात होती है, राइट। बाबा अलग अलग चूज करते वर्ड्स अलग अलग, इसीलिए अपने को मुरली में इतना नयापन आता है। और वही बात फिर और एक बात ये भी है कि हम जब मुरली ध्यान से नहीं सुनेंगे ना तो हम लोग तो सोचेंगे अरे वही तो बात होती है, मुरली में क्या है, बाबा को याद करो सेवा करो, माना ध्यान नहीं किया, तो ये सिंड्रोम में फंस जाते हैं, सेलेक्टिव हियरिंग सिंड्रोम कहते हैं। ये खास उनको होता है जो परिवार वाले होते हैं ना, तो युगल होते हैं, तो सेलेक्टिव हियरिंग सिंड्रोम माना पति अगर पत्नी को कुछ कहते रहता है या पत्नी पति को कुछ कहते रहता है या फिर बच्चों को कुछ कहते रहते हैं तो क्या हो जाता है वो सिंड्रोम कि नहीं हो, हाँ वो तो कहता रहता है, अरे मैंने तो खाता चखा था, वो फिर गायब हो जाता। इसलिए अभी हम जब कहे कि मुर्दा है ना, अभी हम लोग सचमुच परिवार है ना, जैसे हेमा बहन ने कहा अभी ये परिवार हमारा क्या है, मुर्दों का मिलन है, सचमुच यही तो है ना। बाबा ने आकर हमको पहला यही सिखाया ना कि बच्चे तुम मर गए हो, तुम सब मरे पड़े हो, अब जिंदा हो, अभी मैं जो कहता हूं ना वो अब सुनो। कितना यूनिक है ना उनका समझाने का बाबा का। जब हम बाबा के बने मना हम पुराने दुनिया से मर गए, ये है फर्स्ट स्टेप अपना यज्ञ में भी, बाबा का बना मना पुराने से मर गए हम। फिर अभी पुराने से हम मर ही गए तो फिर अभी डर किस बात का, सचमुच हम लोगों को वंडर खानी चाहिए जब भी हमें कोई भी ऐसा डर आए ना, कोई भी बात का हो, हेल्थ हो, जॉब हो, परिस्थिति हो, मौत हो, तो 2 सेकंड के लिए ना जैसे बाबा का ये फर्स्ट महामंत्र जैसे रिपीट कर लेना है, मैं बाबा ने कहा बच्चे तुम मर गए हो पुरानी दुनिया से, उसके बाद ये टॉपिक को एक बार याद कर लो,
अब सोच लो मुर्दे की जान खतरे में, तो हंसी आएगी ना। अब है ही मुर्दा अभी, अभी उसको अभी हेल्थ का प्रॉब्लम है या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ेगा उसको? पढ़ना तो नहीं चाहिए ना, बाबा का बन गए माना पुराने दुनिया से मर गए। हम जब पुराने दुनिया से मर गए तो ये पुराने दुनिया की कोई भी परिस्थिति का हो या चैलेंजेस का हो, उससे हम घबराते क्यों हैं? वो हमें खतरा क्यों साबित होती है? वो अपने को खतरा जैसा क्यों लगता है? नहीं होनी चाहिए। मना फिर चेक हो जा, चेक पॉइंट कि मैं क्या सचमुच मरा हूं पुरानी दुनिया से। अरे हम लोग भक्ति मार्ग में यही लोग, एक बार है ना सब गैलरी व्यू में रख के है ना, सभी अपना कैमरा ऑन करके ये सभी को देख लो, कितने लोग हैं, 75 लोग ज्वाइन हुए हैं यहाँ। अब मैं एक राज की बात समझाता हूँ, सुनो हाँ सभी ध्यान से सुनना। ये जो 75 जो चेहरा आप देख रहे हो ना यहाँ, ये वही ऋषि मुनि हैं। ये जो चेहरा देख रहे हो ना, देख लो अच्छी तरह से देख लो, ये वही ऋषि मुनि लोग हैं जो एक से बढ़कर एक तपस्या करके दुनिया को एक मार्गदर्शन दिखाया है। यही देख लो, क्या वंडर है। और अपने आगे बैठे हैं, देखो सब बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि ये बैठे हैं, ये लो इधर आगे, सचमुच बैठे हैं ना कि नहीं? क्योंकि बाबा कहते बच्चे आप देवता स्वरूप हो, और द्वापर युग में आने के बाद आप है ना, हम लोग पांच स्वरूप करते हैं ना। मैं तो देवता उधर भी नहीं जा रहा हूं, जस्ट रीसेंट पास्ट, बस अपना द्वापर कल ही तो छोड़ के आए ना हम लोग, कल की बात है। पूजनीय कहते हैं ना ये लोग हैं। हम जब भक्ति इतनी शिद्दत से और इतनी शुद्धता से हमने जब भक्ति की है, अभी तक भी गायन है, अभी तक भी लोग अभी भी गेरू कफनी पहनकर ओढ़ कर, बस कुछ नहीं चाहिए क्या कर, सब कुछ दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। आत्मा जया सुत आगारा पशुद्रावीणा बंदश्युराजे चविलक नित्यम विरुपादम ममतम जहाओ, हमने लिख के दे के गया है। ये आत्मा के साथ जो भी है, सात चीजें जो आत्मा के साथ हमारे, हमने इतना भी एनालाइज करके रख लिया है कि ये जो आत्मा है ना उसका फास्ट धीरे 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 ये सब अटैचमेंट शुरू हो जाता है। जया माना बीवी, बीवी आ गया माना सुता आ गया, सुता माना बच्चे, अब बच्चे आ गया माना आगारा, माना बस अभी उनके लिए जो रहने का स्थान चाहिए। फिर वो आते फिर पशु, पशु माना अभी वो टाइम घोड़ा गाड़ी गाय बकरी, हमारे वहां भी गाड़ी चाहिए कार चाहिए सब कुछ, बंधु सहित। फिर राज्य तक हमने कहा कि छोड़ दो और बुद्धि लगाओ प्रभु पे। परीक्षित का है ना गायत्री, वो कृष्ण के मोह में था, कृष्ण का अट्रैक्शन में वो सब कुछ छोड़ दिया, बीवी नहीं बच्चे नहीं, इतना तक कि मुझे मेरा राज्य भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बस मैं तेरा मोह में हूं राजा,
परीक्षित है, यही आत्माओं में कोई है देख लेना। इतना तक हम भगवान के प्यार भी नहीं, भगवान की याद भी नहीं, भगवान को सोचने की बात नहीं था, मोह था। क्या बड़ी बात है, राजा ऐसे ही छोड़ दिए हम लोग ने, बस बेटा एक ही ध्यान, नहीं चाहिए कुछ। अब मैं देखता हूं तो क्यों नहीं मिलेगा। ऐसा वो भगवान हमारे पास बैठे बैठे घर पे बैठे आ गया, मिल गया अपने को। सोचना कितनी बड़ी बात है, क्या छोड़ा हम लोग ने, कुछ नहीं छोड़ा। जो भक्ति हम लोग ने करके दूसरों को गलत मार्ग पकड़वा के हम लोग आके एंजॉय कर रहे हैं, को भटकाया ना, ये लोग देख लो, अब ये जितने लोग आए हैं कौन भटकाया इतने लोगों को, हमने भटकाया उनको, भटकाया ना अच्छी तरह से। अभी देखो एक एक लोग गेरू कफनी पहन के क्या क्या करते हैं, और हमको लगता है मैं क्यों भक्ति में ऐसा सब लिख के गया, अब देखो क्या हो रहा है। अरे हमारा बाबा इतना मीठा है, इतना सिंपल है, और फर्स्ट इतना है प्यार से कहता है बच्चे पुरानी दुनिया से ना मर जाओ, ये अपने को फर्स्ट कदम समझ में आनी चाहिए कि नहीं पुरानी दुनिया से मर जाऊं मैं अभी, मना अभी पुरानी दुनिया से मरना मना क्या कहते आसान तरीके से पुरानी दुनिया से मर जाओ, पुरानी दुनिया अपने को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है भाई मना क्या। खास तीन बात की ध्यान देना है अपने को, आप लोग सब मुर्दा बनने आए हो अभी, सब सचमुच ये सेशन होते ही मैं मुर्दा हूं, अब कोई खतरा नहीं मुझे। जब भी कुछ लगे ना तो ये टॉपिक याद, मुर्दे की जान खतरे में, इंटरनल आपका एक जोक हो जानी चाहिए। बैठे हो आप, अगर आपका सडनली आपका कोई कॉल आ जाए डॉक्टर से और बोले कि सॉरी आप बहुत क्रिटिकल में हो, तो अंदर हंस लेनी चाहिए, मुर्दे की जान खतरे में। आप बैठे हो, बैठे तुरंत आपका मैनेजर का कॉल आ, सॉरी यू आर फायर्ड, अच्छा मुर्दे की जान खतरे में। आप जा रहे हो, कुछ काम होना था नहीं हो गया, बस घर वाले क्यों नहीं, मुर्दे की जान खतरे में। हंसी आती है ना, अभी मुर्दा हूं भाई, अब मेरे को क्या खतरा आप दे पाएंगे, अलग से क्या नया खतरा आप लेकर मेरे को दे पाएंगे। अरे हुई मर गया हूं मैं पुरानी दुनिया से, लेकिन मेरा दुर्भाग्यवश कि मेरा बाप ले नहीं जाएगा जब तक मैं संपूर्ण ना बनू, मेरा जीवन है वो लक्ष्य तक दौड़ी पहनाओ। ये एक बार अंदर फिट हो जाए ना फिर सब आसान। फिर ये इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये होता तो अच्छा होता, ये ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अंदर आप तो ये एंजॉय कर रहे हो। आप तो है ना, लोग तो फिल्म थिएटर जाते हैं ना पैसे देके, पता नहीं आजकल टिकट का प्राइस कितना है कहकर, पैसा देखकर वो लोग अलग अलग इमोशंस को एंजॉय करने के लिए फील करने जाते हैं। भाई वात्सल्य जो भी हो, प्यार ड्रामा, डिफरेंट डिफरेंट जॉनर होता है ना फिल्म्स में, उसको समझने के लिए, उसको फील करने के लिए वो लोग जाते हैं। हम लोग इधर, हम लोग तो लाइव ड्रामा में हम बैठे हैं, क्योंकि वहां मूवी वो लोग इतने तक वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि आप कितना नजदीकी से उनका ड्रामा आप अनुभव करें।
ये उनका पहला लक्ष्य है ना। पहले था ब्लैक एंड व्हाइट, फिर हुआ कलर, फिर हुआ सिनेमा स्कोप, उसके बाद हुआ 3D, उसके बाद अभी 4D कह रहे हैं। अभी तो एक्सपीरियंशियल है ना, यूनिवर्सल स्टूडियो में जाएंगे तो आपको जैसे बिठा के अंदर ले जाएगा, आपके ऊपर कुछ कूद रहा है, स्पाइडरमैन कूद रहा है, माना आप वो उनको लगता है कि आपको उतने करीबी से आपको एक्सपीरियंस दे रहे। बाबा देखो, आपने कोई एक छोटा सा अपना माइंड का वो ट्विस्ट करके दे दिया, आपने को लगा अच्छा ये ड्रामा है, आप तो यू आर फीलिंग लिविंग द ड्रामा। जैसे आपका थिएटर हमेशा 24/7 आंख खुली, ड्रामा शुरू, और एंजॉय करो सब कुछ। अच्छा ये ऐसा भी होता है, अच्छा ये ऐसा भी होता है, अच्छा ये रोता भी है, अच्छा ये हंसता भी है, अच्छा ये डिजेक्शन भी है, अच्छा यहाँ ये भी होता है, एंड यू आर इन इट। तो आपको कितना मुफ्त का कितना पैसा सेव हो गया, बैठे बैठे ड्रामा के अंदर ही है हम लोग। कितना ना थैंक्स कहना चाहिए बाबा को। हम ब्राह्मणों के लिए एंटरटेनमेंट का तो कुछ चिंता ही नहीं होनी चाहिए। सचमुच आंख खोल के दुनिया को देखो ना, आप हंसनी चाहिए। क्या क्या करते हैं आप लोग, क्या क्या कर रहे हो आप, है ना। सचमुच जाकर बाबा कहते हैं ना, बच्चे मेरे पास भी आके बैठो ना, अव्यक्ति का एंजॉय करो ना, अव्यक्त स्थिति का। हमेशा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा अपने को चस्का लगते रहता है, थोड़ा थोड़ा तो डिटैच हो जाए, बाबा के साथ ऊपर बैठ के देखे सब कुछ, जैसा खेल दिखता है, वंडर खाते हैं। अच्छा इसके लिए भी रोते हैं, अच्छा ये इसके लिए रोता है, अच्छा ये होता है, ये इसके लिए हंसता है, इसके लिए दुनिया से दूर होना पड़ता है अपने को, यही तो मरना है। ये दुनिया से जब दूर होंगे, ऊपर बाबा के पास जाएंगे, तब लगेगा नहीं, क्योंकि तीनों लोकों का ज्ञान किसके पास है, किसके पास है तीनों लोकों का ज्ञान, हाथ उठाओ। आप लोग सभी के पास है ना तीन लोकों का ज्ञान। सचमुच एक ज्ञान का पॉइंट भी हम लोग लेके बैठे ना उस पर मसा। अभी ये लोक है, हम लोग ये पहले भी डिस्कस किए थे शायद, पता नहीं कहाँ। अभी ये लोक है, सोच लो, ये हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल लोक, कॉर्पोरियल वर्ल्ड। अभी कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हम लोग बातचीत कैसे करते हैं, अभी हमारे रंजन माता है ना, रंजन बुद्ध देव माता जी, मैं अभी उनसे मिल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ कैसे हैं रंजन माता जी, तबियत पानी ठीक है, कैसा है क्लाइमेट, कैसा है अभी कैलिफोर्निया में। चिंता नहीं करो, मैं आप आंसर नहीं चाहता हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा कॉन्वर्जेशन ऐसा होती है ना, कैसा है फिर तबियत, अभी बच्चे बाल बच्चे सब ठीक है ना, उनका तबियत सब ठीक है, अभी क्लाइमेट कैसा है, यही होती है ना, ऐसे ही होते हैं ना वार्तालाप। ये स्थूल लोक में हम लोग मिलते हैं तो बात ऐसी होती है। ये जो भी बातें मैंने अभी की है, ये लोक छोड़कर मैं दूसरा लोक में मैं जब कदम रखूंगा ना, ये जो भी बातें मैं की है वो बकवास है, वहां इट डजेंट मेक सेंस, कोई मायना नहीं रखता है। अभी वो दूसरा लोक कौन सा है, सूक्ष्म वतन, है ना। स्थूल वतन में से मैं कदम रख के सूक्ष्म वतन पहुंचते ही, हाँ कैसे हैं आपका तबीयत, अभी वहां तबीयत के लिए शरीर होना चाहिए ना, शरीर ही नहीं है तो क्या बोलेंगे तबीयत कैसे। हाँ अभी कैसे बीवी बाल बच्चे सब कैसे ठीक है, अब क्या बाल बच्चे सूक्ष्म वतन, क्लाइमेट कैसा है, अच्छा है कैलिफोर्निया, अभी कहाँ कैलिफोर्निया, क्या क्लाइमेट सूक्ष्म वतन में, चेंज हो गया सब कुछ।
यहां आप जो कुछ आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो वो सब खत्म। एक रूम से दूसरा रूम आप कदम रखा, आत्मा एक रूम, कौन सा स्थूल लोक से सूक्ष्म लोक खत्म रखते ही ये सब कुछ इररिलेवेंट हो जाता है। ना तबियत, ना क्योंकि टाइम ही नहीं है। टाइम तो सूरज चांद होना चाहिए ना टाइम के लिए। नहीं है कुछ, वहां का कॉन्वर्सेशन अलग होता है। मैं सूक्ष्मतन में कैलाश जी को मैं देख रहा हूं, कैलाश जी बैठ खड़े हैं वहां आगे में, यहां खड़ा बैठ सूक्ष्मतन में। वहां मैं हाय कैलाश जी कैसे हैं, तबीयत कैसा है नहीं पूछूंगा। मैं ये सोचता हूं कि कैलाश जी में इतना प्रकाश कैसा जो मेरे में नहीं है, उनमें इतना आंखों में नूर कैसा जो मेरे में नहीं है, कैलाश जी से इतना प्यार का वाइब्रेशन आ रहा है, उतना प्यार का वाइब्रेशन मेरे में क्यों नहीं है। देखा आपने, चेंज हो गया ना अभी। क्यों? सूक्ष्मतन में तो सब फरिश्ते जैसे रहते हैं, वहां सभी का ड्रेस अलग हो जाता है। वहां आपने यहां जितना पवित्रता धारण की, कितना आपने आप में काम किया, वो सब ऊपर जैसे झलकने आता। तब ये सब क्वेश्चन ही अलग। तब ये नहीं कि बारिश कितना पड़ा आपके वहां का, आपके बैंक बैलेंस कितना है, अच्छा मेरे को अभी डॉक्टर के पास जाना है, या ये कोई मायना नहीं रखता है सूक्ष्मतन में। ये सब इरेलेवेंट। सूक्ष्मतन जाते ही इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। ये पवित्रता की शक्ति इनमें इतना झलक, गोपी बहन में इतना पवित्रता की शक्ति आ रही है जो मेरे में नहीं, हेमलता बहन में इतनी सारी प्यार का वाइब्रेशन आ रहा है, भारती बहन में इतना शांति की वाइब्रेशन आ रही है। वहां चेंज हो गया ना। ये बहुत मायना रखता है वहां, उस लोक में कदम रखते। अब मजे की बात क्या है, अपने और एक तीसरा भी एक लोक है, है ना। अब ये सूक्ष्म लोक छोड़कर हम परम धाम में कदम रखते ही, अभी ये जो कॉन्वर्सेशन जो सूक्ष्मतन में हुआ है ना, अभी वहां कुछ मायना नहीं रखता है। इट बिकम टोटली इररिलेवेंट। परम धाम में बैठ के मैं बोलने के लिए मुख ही नहीं है, सोचने के लिए मन बुद्धि संस्कार सब, जैसे कि बाबा ने क्या कहा, स्टेडियम स्टिर स्टिल हो जाता है। बस एक बाबा और कुछ नहीं, मन में संकल्प भी नहीं। जो शून्य अवस्था के लिए यहाँ के ऋषि मुनि लोग सभी इतने भटक रहे हैं ना, वो हम लोग बस वो अवस्था में। तो ये जो प्रैक्टिकल हम लोग जाते हैं यहां बैठे बैठे संगम युग में, तो मुर्दा मना क्या है? ये दुनिया से दूसरी दुनिया जाने की क्षमता जो रखता है वही तो मुर्दा है। शरीर छोड़ दिया, someone has died, left their body. Who is leaving the body? कौन शरीर छोड़ दिया? आत्मा ने। तो आप जीते जी ये शरीर छोड़कर दूसरी जगह जाने की क्षमता आप रख पाते हो, इसीलिए मर जीवा है हम लोग। मर जीवा जन, मर गए हैं दुनिया से लेकिन जीवित है। है ना, कितनी वंडरफुल बात। तो ये मर्जीवा के लिए क्या कहते हैं, पहले पहला पहला अपने को ये मालूम होना है कि मेरे पास कुछ नहीं है,
ये है फर्स्ट समझने की बात, मर्जी वामना, यू ओन नथिंग। यू ओन नथिंग, यू आर नथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है और मैं खुद कुछ नहीं हूं, ये शुरुआत है ना अपने ब्राह्मण जीवन का। बाबा रीसेट कर दिया सब कुछ। सब रीसेट। यू डोंट ओन नथिंग एंड यू आर नथिंग। मैं खुद शून्य हूं, यही है ना शून्य। इधर आत्मा क्या है? शून्य है। वहां से बाबा शुरुआत किया। फिर बाबा ने कहा, जबरदस्त बात बाबा ने फिर बताया, आप एक बार शून्य हो जाओ फिर साथ में मुझे रखो। तो मैं दुगना, दुगना क्या आप अंदाज भी नहीं रख सकते हो कि उतना मैं कमाल करके दिखाऊंगा। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि बच्चों मेरे पास शरीर नहीं है, और मुझे पता है कि ऐसा बड़ी बात नहीं है एक शरीर लेना। मैं शरीर ले सकता हूं, क्या क्या बड़ी, भगवान को शरीर लेना क्या बड़ी बात है? लेकिन मैं लॉ को मैं ब्रेक नहीं करना चाहता हूं, है ना। एक बार शरीर लिया खुद का तो ड्रामा में फंसा। सब है ना, बड़े बड़े धुरंधर लोग आके फंस के बैठे हैं। परिवार है, घर की बात है, इसीलिए फूल खोल रहा हूं, बार नहीं कहना है किसी को, ठीक है। धुरंधर लोग आके फंसे पड़े हैं यहाँ। जीसस क्राइस्ट आया, कहाँ है वो? चला गया वो, पता है ना अपने को, यही है अपने, अभी भी जन्म लेके खड़े है कहीं, शायद पोप हो, शायद और कुछ हो। ऐसा है ये ड्रामा, ये दुनिया में ये शक्ति है, ये बाबा को पता है। चतुर सुजान है ना अपना बाबा, इसीलिए बाबा ने ये शब्द दिया हमको, करण करावन हार। बच्चे मैं कराऊंगा, मेरे पास सब हुनर है, चिंता नहीं कर। सिर्फ इतना ध्यान रखे कि आप एक योग्य इंस्ट्रूमेंट होकर रहे। स्किल सेट अपने आप में भर दूंगा, है ना। आप लोगों को सबको जयद्रथ की कहानी तो महाभारत में पता है ना। जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, तब अर्जुन को, अर्जुन शपथ लेता है। इसलिए मैं शपथ नहीं ले रहा हूं क्योंकि मेरे बेटा का मृत्यु हुआ, पता है सभी योद्धे घेराव डालकर उस निहत्ते पर वार किया, ठीक है वो भी मैं सहन कर लिया, चलो। लेकिन एक मृत देह पर आकर पैर से मार के गया जयद्रथ ने, ये मैं सहन नहीं करूंगा। तब अर्जुन कहता है कि कल का सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ को मार के रहूंगा, अगर मैं नहीं मार पाया तो मैं खुद अपने आप को अग्नि में स्वाहा कर दूंगा। बस हाहाकार मच गया दोनों जगह पे। कौरवों को तो एकदम खुश हो गया, अरे वाह, एकदम उनका स्टार खिलाड़ी मरने वाला है कल, बस एक दिन हमको जयद्रथ को बचा के रखना है, खेल खत्म। अर्जुन गया तो खेल खत्म,
उनको क्या पता था खेल और कोई रच रहा है। और पांडवों के वहां वो डर बैठे, ये क्या बोल दिया अभी, अभी हम 20 नाखून का जोर दे के जयद्रथ को खोज निकालना है। अगला दिन शुरू, बस ढूंढते जाए ढूंढते जाए ढूंढते जाए ढूंढते, एकदम खुन्नस पे उतरा कि एकदम जैसे अर्जुन ने कहा बस कृष्ण तू बाजू हट जा, मैं जो बोलता हूं करने का, बस मेरे को वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कौरवों ने सब अपना सब कुछ लुटा दिया कि नहीं जयद्रथ को बचा के रखो। सुबह हुआ, आफ्टरनून इवनिंग, शाम ढलने लगा, तब कृष्ण दया भी इससे होगा नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। धीरे आसमान की ओर देखा, भगवान है। तुरंत बादल को पता चल गया क्या इशारा दे रहा है। धीरे बादल आकर सूर्य को ढक दिया और कौरव माना ही मूर्ख। तुरंत दुर्योधन ने उतर के फटाफट गया जयद्रथ को खींच के लेकर आके बीच में डाल के बोला, हे अर्जुन ले, ये रहा जयद्रथ, अब त्याग कर अपना शरीर को। अरे रुको तो सही है, थोड़ा 2-3 घंटा तो सबर करो। नहीं थोड़ा, क्योंकि यही है ना कि कौरव मना ही मना, वो बुद्धि से बहुत सोचते हैं, दिल और बुद्धि का समन्वय नहीं है ना, कनेक्शन फूट जाता है, वो कौरव है। और अपना अर्जुन भी वो बादल लाके ढक दिया, उसको समझा कि सूर्यास्त हो गया, बस गांडीव नीचे छोड़ दिया, एकदम नीचे ऐसा बैठ गया, क्या करे अब तो बस शरीर छोड़ना पड़े। फिर धीरे कृष्ण ऊपर देखता है, बादल हट जाता है, सूर्य चमकना चालू होता है और कहता है, अर्जुन ये रहा तेरा, और उठा गांडीव, चला बाण। एक हद से खत्म, जयद्रथ खल्लास। ये सब होने के बाद कृष्ण अर्जुन सोच सकता है कि मेरे हुनर से मैंने जयद्रथ को मारा, सोच सकता है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन माहौल किसने बनाया, वो कृष्ण ने बनाया। ये है अपना बाबा। बाबा क्या करता है, माहौल तैयार करता है, ही क्रिएट्स एनवायरमेंट एटमॉस्फियर इन सच ए वे दैट यू विल सक्सीड। बाबा माहौल तैयार करता है ना, रचता है, तो इसलिए उसको आके शरीर लेने की जरूरत नहीं है। इतने सारे शरीर है, कितने सारे, ये सब एक एक इंस्ट्रूमेंट है ना, आप लोग सब इंस्ट्रूमेंट हो, आप सबसे वो करा सकता है, करनहार वो है, करण करावनहार, अपने को करना है वो करा सकता है। इंस्ट्रूमेंट के नाते अपने को सिर्फ एक काम करना है, क्लीन रखना है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो उस क्लीन रहे ना, उतना ही रखना है अपने, मैं क्लीन रहूं, क्यों, ताकि वो यूज कर सके मुझे। क्यों भगवान कहते बच्चे पवित्र बनो, बच्चे शांत स्वरूप बनो, बच्चे स्नेह, एक्सक्यूज मी, क्यों,
क्योंकि मैं यूज कर सकूं ना, है इतना सारा रस्टेड है, कुछ आवाज नहीं निकलता है, और भगवान को कह के भगवान थोड़ा गीत बजाओ, बजा देता है, लेकिन भगवान गीत बजाया है ये नहीं होगा। बजाए, एक अच्छा गीत है, वो गीत अच्छा क्यों बजाए, क्योंकि भगवान बजाया। लेकिन अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को एकदम क्लीन, क्लियर, नीट, टाइडी, ब्यूटीफुल, पॉलिश्ड रखो ना, तब वो क्या कमाल करके दिखाएगा। यही तो है ना, अभी शिवानी बहन है, क्या है शिवानी बहन, इंस्ट्रूमेंट। अपने आप को इंस्ट्रूमेंट बना के रखिए ना, कि नहीं मैं क्लीन रखूं, मैं क्लियर रहूं, ताकि भगवान मुझे कभी चाहे टच करे, यूज कर सके। कमाल देखो भगवान का। अब देखो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट बाबा कैसे पड़े हैं, वो यूज करेगा ना, वो मल्टी टास्क आसानी से कर सकता है, क्योंकि उसको सटल टच पता है, इधर थोड़ा टच करो, इधर थोड़ा टच करो, इधर एक बटन दबा दो, बस हो जाएगा अपना। ये है भगवान का चाल। राइट, तो इसीलिए इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए बाबा कहते हैं पहला कदम मरने का, आई ओन नथिंग, आई एम नथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है और मैं खुद कुछ नहीं हूं। ये अपना ब्रह्मा बाबा ने किया ना, जो भी है मेरे पास सब विल करके दे दिया और बोल दिया आई एम, आई ओन नथिंग, क्योंकि मेरी बुद्धि ना जाए उस पर। फिर उसका पूरा जीवन यही प्रैक्टिस में था कि आई एम नथिंग। इसीलिए ब्रह्मा बाबा जाते जाते अपने को तीन महावाक्य देके गया, निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी, बस क्लीन इंस्ट्रूमेंट। गुलजार दादी को देखो, कुछ करने की भी जरूरत नहीं, बस दादी का चित्र बड़ा करके रख लेना चाहिए अपने आगे, कुछ भी होना वो देख के बाप दादा का वो चेहरा। बाबा आवाज में आते हैं अपने को आवाज से परे ले जाने। वीडियो देखना, बहुत सारे आप लोग तो अव्यक्त बाप दादा का नहीं देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस इसीलिए तो है। जब बाप दादा आते हैं, आने के बाद मुरली सुनाने के बाद देखना, जे एकदम गमसान स्टेज पे, वो कैंडल लाइटिंग, वो केक कटिंग, वो गीत बजा रहा है पीछे, वो इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, इसको लेकर आओ, इधर लाइन पे खड़े हो जाओ, इतना सब कुछ घमसान पीछे चलता रहता है, और मैं बस बाबा को देखते रहता हूं एकदम स्टेरियम, सब कुछ होते वो जैसे डिटैच्ड है, कोई फर्क नहीं पड़े, कैंडल टेढ़ा है, सीधा है, ऐसा है नहीं, वो बाबा का हाथ पकड़, बाबा कैंडल जलाओ, ठीक है जला देते, बाबा केक काटो, चलो केक काटो, बाबा फ्लैग होइस्ट करो, ठीक है। हर कदम में बाबा से कहा, बच्चे मैं काम कर रहा हूं लेकिन मुझे देखो ना, मैं कितना डिटैच्ड हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, कोई कहता ये करो, कोई कहता मैं कर रहा हूं ना, मेरा चेहरा में इतना भी चेंज आप देख रहे हो, ये चैलेंज दे रहा है बाबा। अव्यक्त मिलन में, हर टाइम अव्यक्त मिलन में बाबा की मुरली के बाद मैं बैठ के देखता हूं, जैसे बाबा अपने को चुनौती दे रहे हैं, बच्चे मैं ऐसा कर सक रहा हूं, आप कर पाएंगे, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोल रहा है ये करो, कोई बोल रहा है केक कटिंग करो, है ना, न्यू ईयर के टाइम पे देखना बाबा को फ्लैग होस्ट कराते, केक कराते, गीत बजाते, वो भी गीत इतना जोर जोर से, जोर जोर से खान जैसे कि फक जाएंगे, सुन रहा है बाबा।
देखो ना बच्चे मुझे, करो ना। ये सिखा रहा है अपना बाबा, सब कुछ देखते सब कुछ करते आप डिटैच्ड हो, और बाबा का चुनौती एक्सेप्ट। अच्छा बाबा, मेरा बाप मेरे को ये कह रहा है, मैं भी करके दिखाऊं, ये हो रहा है वो हो रहा है, खत्म। नहीं, मैं डिटैच्ड हूं। ये है पहला मर्जीवापन, मुर्दा बनने का पहला कदम। फिर दूसरा कदम है समझ। ये जो नेचुरल लॉस है दुनिया का, उसका डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मरने के लिए, मर्जीवा बनने के लिए, मुर्दा बनने के लिए। क्योंकि हम मर तक नहीं रहा है, मर फिर जीवित भी है ना। मर जीवा के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल लॉस, आध्यात्मिक लॉस जो है उसका गहरा समझ हम बच्चों में है। एक लॉ तो एक है कि सब कुछ बैलेंस होने वाला है, कोई भी नहीं है जो आपको लूट सके, ये अंडरलाइन करके रख लो। ज्योति बहन कांति भाई, क्या लगता है कोई लूटेंगे आपको? किसी का ताकत है नहीं ना, कोई नहीं लूटेंगे हमको, कौन धोखा देंगे अपने को, कोई धोखा नहीं देंगे। हाँ, टेम्पररी वो लोग वो एक मिथ्या में रह सकते हैं कि मैंने इनको धोखा दिया, मैंने उनको लूटा, होगा नहीं। चलो ये जन्म नहीं है तो दूसरे जन्म में तू डबल देगा मुझे, इतना अंदर ये स्पिरिचुअल लॉ का समझ है, तब मैं मरा हो रह सकता हूं ना। नहीं तो बुद्धि भागती, अरे ये ऐसा हो गया, अच्छा ये ऐसा हो गया, अच्छा मेरा ये खराब हो गया, अच्छा मेरा इससे ये हो गया, नहीं तो बुद्धि भागती बैठेगी ना, क्या जरूरत है भागने की, जरूरत ही नहीं है। बैठा मन को शांत करा देते हैं, मन भागती ऐसा कैसा हो गया, कोई बात नहीं, मुर्दे की जान खतरे में, क्या मुर्दा क्या कौन किसका लूटेगा। ये प्रैक्टिस हो जाती है फिर धीरे धीरे, मालूम होना चाहिए कि नहीं ये कौन चला रहा है, कौन मेरे पास है, कौन मेरे साथ है, कौन कैसा चला रहा है। उस चक्र सुजान बुद्धिवानों का बुद्धि बैठा है आपके पास, इस साधारण तन में आया ही उसका बुद्धि है कि मैं साधारण तन में आऊं, बात करते थोड़ा खांसूं, क्यों, क्योंकि अपने को गुमनाम कर, अच्छा ये बाप ना भाई ऐसा ही है, ये कौन बैठा कौन है, ए धोती बैठ के, ए टकलू, ए सफेद बाल वाला, क्या बैठ के खांसते हुए, मीठे मीठे बच्चे, क्या बोल, क्या है, कौन है ये। नहीं, आवाज सुने आत्मा में तुरंत, नहीं ये कौन कौन बैठा है, भगवान, बुद्धिवानों का बुद्धि, चतुर सुजान, सबका चाबी जो है ना इसके पास है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, पता है। क्योंकि हमारा एक ही दुश्मन है, और अनफॉर्चुनेटली वो मेरी बहन है है ना, हमारा दुश्मन कौन, एक ही तो है हमारा दुश्मन, और वो दुश्मन कौन है, हमारी बहन है।
है ना, हमारे दुश्मन कौन? माया। बाबा कहते हैं बच्चे माया है ना आपके दुश्मन। अभी माया कौन है? हमारी बहन है, बाबा कहते हैं। बाकी सब बच्चे हम लोग सब। गीता बहन आप भाई हो, ठीक है ना, बहन नहीं हो। कैलाश बहन, दीपी बहन, ठीक है, भाई हो आप, आत्मा भाई है अपना। ये एक बहन है माया, और वो सोचती है पूरा वर्षा तुम लोग लूट के जा रहे हो, मेरे को एक पैसे का पैसा भी नहीं देने वाला है बाप, तो मैं ऐसा थोड़ी बैठूंगी, मैं ठठोलूंगी तुम लोगों को, देखूं तो सही कितने लायक बनाए। बुजुर्ग बाबा वो तो एकदम भोलानाथ, सब कुछ दे देते आप पर, मैं देखूं। ये खेल आप समझ जाए ना, अच्छा ऐसा है। तो ये अपने को, ये जैसे स्पिरिचुअल लॉस है थोड़े, जो हम समझ जाते हैं सब कुछ बैलेंस आउट होने वाला है, कोई किसका छुपाएगा नहीं, रखेगा नहीं, ले नहीं जाएगा, यूज नहीं करेगा, सब बैलेंस आउट। और तीसरा, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो शब्द, छोड़ दो, कुछ पकड़ो नहीं अभी, ड्रॉप इट। क्या पकड़ के रखे अभी हम लोग? संगम युग भी आ गया, सत्युग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग, कलयुग भी चला गया, क्या पकड़ के रखे हम लोग? इनसे थोड़ा वैर, इन पर गुस्सा पकड़ के रखे, इन पर द्वेष पकड़ के रखा है, इन पर क्रोध पकड़ के रखा है, क्यों? छोड़ दो ना, हल्का कर लो अपने आप को, किसी पर द्वेष वैर कोई जरूरत नहीं है, देखते देखते चला जाएगा संगम युग, बाबा चला जाएगा, निकल जाएगा, आप क्या पकड़ के रहे जो कोई काम का नहीं है, है ना। झोली में कोई एक चीज ही रुकेगी ना, झोली में मैं किसी का वैर द्वेष ईर्ष्या ये पकड़ के रखूं, तो फिर बाबा जो दे रहा है वो काम बिठाऊं मैं? ड्रॉप इट, छोड़ दो। सोचना अभी सभी यहां बैठ के, मैं सचमुच में क्या पकड़ के रखा हूं? और सच बात बताऊं, आप लोग जो युद्ध चल रहा है ना, पता नहीं सबके जीवन में कुछ ना कुछ युद्ध चल रहा है, किसी के साथ चल रहा है युद्ध, और वो युद्ध उसी के साथ चल रहा है जो आपके बहुत चाहने वाले हैं। द ग्रेटेस्ट ऑफ द बैटल इज ऑलवेज फॉट with the ones who are near and dear to you. ये बहुत बड़ा कठिन पिल दे रहा हूं मैं, ये पिल खा लो आप, ये गोली खा लो, ड्रॉप इट, कोई जरूरत नहीं है लड़ाई की, सच कह रहा हूं। ये लड़ाई आप छोड़ के है ना, दो थोड़ा टाइम, 1 साल 2 साल टाइम दो, फिर वापस देखो, आप खुद बोलेंगे नहीं इतना प्यार है हम में। सबसे बड़ा लड़ाई उन्हीं से होता है जो अपने चाहने वाले हैं, चाहने वालों से ही बहुत बड़ा एकदम खींचातानी लड़ाई, धुरंधर लड़ाई उन्हीं से होता है, क्या जरूरत है? छोड़ दो, ड्रॉप इट। इतने जन्म हमने बहुत कुछ
देखा है, एक्सपीरियंस कर लिया है, जो अपने को ये करना है सब कुछ हमने एंजॉय कर लिया है, अभी उनके लिए भी थोड़ा रखे ना, छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। हल्का हो जाओ बुद्धि से, रखो नहीं, पकड़ के नहीं रखो। अगर पकड़ के रहेंगे तो वो जहरीला हो जाएगा, और एक बार जहर जैसा बन जाए फिर अंदर बहुत गड़बड़ कर देगा। जहर होने तक तो वेट नहीं करो ना, छोड़ दो, ड्रॉप इट। कितने भी ऐसे परिस्थिति हो, चाहे कितना भी भयानक हो, चाहे कितना भी गहरा और एकदम कठिन आपको अब लग रहा हो, 2 मिनट के लिए बैठो बाबा के साथ, हिम्मत करो और छोड़ दो। अगर आप सचमुच कह सकते हो कि मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है, एटलीस्ट बोलो एंड फील इट हाउ इट फील्स। जो आपके आगे वो आत्मा है उसको इमर्ज करके आप बोलो कि मैं आपको रिहा करता हूं या करती हूं, आई लिबरेट यू, गो, आई एम ड्रॉपिंग दिस। ऐसा कहो एंड फील इट हाउ इट इज, कैसा लग रहा है, क्यों भारी बनोट उठा कर रखना है। चाहते तो है ना कि हम एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बने बाबा का, है छोटा सा संगम, अभी वो भी गया कि गया। ये संगम जाने के अंदर आकर ये क्यों पकड़ के रखे, ये मायना नहीं रखता है, क्योंकि आप ये स्थूल लोक से सूक्ष्म लोक कदम रखते ही ये कुछ मायना नहीं रखता। नथिंग ऑफ दिस विल मेक सेंस। फिर वो लोक से वापस अगर आपको और एक जन्म यहां लेना ही पड़े, अगर वो आदमी जो द सोर्स ऑफ हर्ट, जो आपको इतना दुख दिया है, वो अगर आपके सामने भले आ भी जाए, आप तो देखे हैं स्माइल करके वेव करके छोटे बच्चे होंगे आप, और उनको गले रख के थोड़ा अच्छा एक पप्पी यहां दे के आप चलते बैठेंगे, बोलने को बहुत बड़ा दुश्मन है आपका ये जन्म में, मैना नहीं रखता, इट डजंट मेक एनी, कोई भी उसका वैल्यू नहीं है। अभी आप जो लड़ाई या जो ईर्ष्या, जो द्वेष, जो क्रोध आप अभी हम बनाए रख रहे नहीं है, ताकत ही नहीं है उसमें, तो क्यों, व्हाई आर यू पॉइजनिंग योरसेल्फ। इतना लंबा चौड़ा नहीं करो। अगर कोई किसी के भी प्रति कुछ भी भावना ऐसा थोड़ा भी गलत हो, ड्रॉप इट, वंस यू ड्रॉप इट यू आर रेंडरिंग इट पावरलेस टू हर्ट यू। जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो परिस्थिति को ताकत नहीं रहेगी कि आपको दुख पहुंचा सके, ताकत आपने वापस छीन ली। फिर उसमें ताकत नहीं है। क्योंकि हम लोग है ना बहुत जैसे कि कॉर्नर होते जा रहे हैं, एकदम करीब होते रहे। अभी एक्सपैंड कर लो बुद्धि को, मरना मना एक्सपैंड करना बुद्धि को। घर पे ही देखो ना कितना, ये मेरा रूम है, ये तेरा रूम है, मेरे सामान इसके अंदर होना चाहिए, उधर नहीं रख, तेरा सामान तू रख ले उधर,
ये मेरा चीज है, ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह नहीं, ये पूरा घर अपना है। सोच लो ना कितना अच्छा है, ठीक है, मेरा जगह में रहने के बदले ये जगह, ये कमरे में अच्छा लगता है, रखो ना, थोड़ा उधर भी रखो मेरा सामान, थोड़ा इनको भी दू, आपके कमरे में भी रखो, देखो मेरे पास एक अच्छा गुलदस्ता है, चलो आपके रूम में रखो, क्यों, क्योंकि बुद्धि में ये भी मेरा ही है। जब दो बहने रहते हैं हॉस्टल में या एक घर लेके रहते हैं, वो एकदम ये आपका है, ये मेरा है, मेरी जगह। अभी वही बहने शादी करके या गए और बाल बच्चे है तो बस सब कुछ अपना हो गया, सेम ही घर था, लेकिन इधर आते ये अपना है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे है, बस एक छोटा सा कॉन्शियसनेस के वजह से देखो सब कुछ जैसे कि खुल जाता है। अभी घर खुले से जैसा और थोड़ा खोल दो, ये घर अकेला नहीं है, ये पूरा कम्युनिटी जो है ना ये मेरा है। ये कम्युनिटी सिर्फ नहीं है, ये जो ये देश है ना, ये पूरा देश मेरा है। ये सिर्फ देश नहीं, ये जो पूरा अर्थ है ना, भूगोल, ये सब मेरा है। कोई भी चीज किधर भी है उसमें क्या है, ये पूरा घर तो ये एक रूम है मेरे लिए। कितना निश्चिंत हो गए फिर, है ना। ये कहानी सुनाते हैं ना, एक बहुत बड़ा महाराजा था, उसके पास बहुत यूनिक कलेक्शन डायमंड्स एंड प्रेशियस आइटम्स के, बहुत सारे यूनिक आइटम था। तो एक सन्यासी को बुलाया, सन्यासी ने गया और वो सन्यासी ये मजे लूट रहा था, देखो अच्छा ये क्या बात है, अच्छा ये बहुत बढ़िया, अच्छा ये बहुत। ये राजा को तो डर लगने लगा, अरे ये ऐसा मजे लूट रहा जैसे कि इसका है। फिर जाते समय सब कुछ वहां रख के वो पूरा मजे लेके वो एकदम चल पड़ा, तो बोला कि आप इसे मजे लूटे, बोला कि हाँ आपका है, ये आपका भावना के वजह से, आपका एडिशन क्या है, आप जितना सुख उसमें से लेते हो ना उतना ही सुख मैंने भी लिया। आप जो ये कलेक्शन रखकर जो सुख आपने इतने साल लिया है ना, ये सब सुख मैं ये क्षण में मैंने भी लिया। अंतर सिर्फ इतना है कि आपको टेंशन है, मेरे को टेंशन नहीं है। आपको टेंशन है कि ये चीज इधर ही रहना चाहिए, मेरे को है ही नहीं, क्योंकि मेरे को है कि आप भी मेरे हो, आप मेरे रखवाले, ये हो क्या है, सिक्योरिटी गार्ड हो, जो मेरा सामान को संभाल के यहाँ आपके लाइफ लॉन्ग इधर ही गाड़ के रखा हो, मैं मेरा जीवन जीते चल रहा हूं। मैं कल आऊं तो आप क्या मेरे को अंदर आने नहीं देंगे, दोस्त है ना। हाँ हाँ आने जरूर महात्मा जी, आपको आने तो देंगे। हाँ तो क्या हुआ, आपका जीवन घड़ गया है, यहाँ फंस गया है, ये देखभाल में आपका जीवन निकल गया है, मेरा तो पूरा जीवन मेरा है, मैं तो आगे बढ़ते रहूं ना। अब यही कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में रख लो, कितनी सुंदर कॉन्सेप्ट है, सब कुछ मेरा है। आप आइडियाज जनरेट करते बैठो ना, डरो नहीं ना किसी का, क्योंकि मरे हुए हो ऐसे आइडिया आया, ये आइडिया है, जाओ दे दो आइडिया, आपका ऑफिस में आइडिया है, आपको पसंद है ले लो, मेरे को कोई पेटेंट नहीं करना है, मेरे को कोई अपना थप्पा नहीं लगाना है, मेरे को सिर्फ आइडियाज जनरेट करना है। आइडिया पसंद आया ले लो, और आप लड़ो ये आइडिया मेरा तेरा वो आप लड़ो, लेट मी गो एंड स्टार्ट क्रिएटिंग मोर आइडियाज। कितना दिमाग जैसे खुल गया है, मेरे को इससे भी परे कि ये नाम भी नहीं चाहिए, then you are free। तब आप चख पाएंगे कि फ्रीडम क्या होता है, कि लगे कि नहीं ये योगी जीवन है, कोई बैगेज नहीं है। इफ यू हैव एनी बैगेज ड्रॉप इट, जरूरी नहीं है ये लेबल्स से, क्या जरूरत है जाने का। सबसे प्रेशियस चीज आपको मिला है और आप खुद चुनौती देते हो सभी को, आके ले लो इसको, और फिर और किसको क्या पकड़ के रखना है। सबसे प्रेशियस चीज क्या मिला है आपको,
है ना, वो भगवान मिला है ना, अभी उतना वो भगवान मिलने के बाद और क्या है। तब आप जाके समझेंगे नहीं, ठीक है। तो ये है मरना, मरने की बहुत सारे, इसमें से तीन बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्या कहा, यू ओन नथिंग, यू आर नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, आसाद मर गए आप। दूसरा, यू नो द स्पिरिचुअल लॉस, आपको पता है बाबा ने ऐसे बहुत सारे राज खोल के दिए हैं, वो पता है, तो आप हल्के हो जाएंगे, नहीं मेरा कोई लूट के लेके आ, मुझे कोई नहीं, कोई जरूरत नहीं। और तीसरा, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है किसको कुछ पकड़ के रखे, ये पकड़ के रखे, ये ऐसा हुए, वे ऐसा हुए, ऐसा होना है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये मेरा सुनता नहीं है, मेरे बच्चे मानते नहीं है, मेरा पति मेरा वो ज्ञान में आता नहीं है, छोड़ दो ये सब कुछ, उसका है तो आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, इतना तक भी मुझे ये नहीं है, इतना तक का भी मेरा आश में छोड़ दिया, मेरे बाबा को देख रहा हूं ना, वो भी तो क्या है, बैठा है ड्रामा पर इतना निश्चिंत निश्चय होकर, इतना हक से कहता है, ड्रामा कल्याणकारी एंड पीरियड फुल स्टॉप, करेगा मेरा काम, क्यों नहीं करेगा। और कोई बात में जरूरत नहीं है, और कोई भी तीसरी बात, इसीलिए बाबा कहते एक बाबा दूसरा न कोई, फिर आप कभी ये कंप्लेन नहीं करेंगे, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे ये टेंशन है, मेरे क्या, अभी मुर्दे को क्या टेंशन, मुर्दे को क्या प्रॉब्लम, मुर्दे को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई प्रॉब्लम है ही मुर्दा, कभी कोई प्रॉब्लम के रूप में आपके सामने आकर प्रॉब्लम रूप बता रहा है, अंदर आपको ये गीत बजना है, मुर्दे की जान कतरे में, क्या कतरा दिला रहे हो आप, मैं तो मुर्दा पड़ा हूं यहाँ और आप मेरे को कतरे में खींच रहे हो, ये कॉमेडी बात हो गई, कोई मेरे को कतरा नहीं है, हो ही नहीं सकता। तब आप देखेंगे पुरुषार्थ भी एक डिफरेंट गेयर में आप डालेंगे, अब ये मंडे बाप दादा आने वाले हैं ना, तब सुनना ये मजे से बाबा की बात, क्या वंडरफुल लगेगा, है ना। फर्स्ट सीजन का फर्स्ट मुरली में कितना अच्छा बाबा ने कहा, बच्चे मुझे बच्चों का पुरुषार्थ पसंद नहीं आता, ये बच्चे मेहनत करते हैं ना, ये पसंद नहीं आता, क्या बड़ी बात, कौन कह सकता है, क्योंकि बच्चे आप लोग मरे नहीं हो ना, इसीलिए पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ नहीं। फिर कितना अच्छा कहा कि तीन दादियों है ना, वो टाइम पे तीन दादियां थे अपने, प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, जानकी दादी, वो लोग बात कर रहे थे कि फरिश्ता कैसे बने, बाप समान कैसे बने, कर्मातीत कैसे बने, ये फर्स्ट मुरली का ये मैं रिवीजन करा रहा हूं, ये बातचीत हो रही थी। और बाबा ने बोला बस इसके लिए एक ही सिंपल, ये तीनों के लिए एक ही मंत्र, निरहंकारी बनो,
कोई अहंकार नहीं रखना है। मुर्दे को देखो कहां अहंकार है, उस पड़ा है बेटा हो मेरे, उधर देखो उधर, इधर करो इधर, कुछ है नहीं। एक मिनट के लिए सभी अपने स्वधर्म में टिक जाए। मैं वही श्रेष्ठ आत्मा हूं जो इस दुनिया को बहुत सारे मार्गदर्शन दिए हैं। ये राज सिर्फ बाबा जानता है। मैं कौन? मैं आत्मा ये तो जानता हूं, लेकिन कौन सी आत्मा ये बाबा जानते हैं। मैं धीरे अपने आप को सूक्ष्म वतन में अव्यक्त ब्रह्मा के सामने मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं। बाबा ये मैं, मेरा सब कुछ समेट कर आपके समक्ष आया हूं। मेरी पुरानी दुनिया से नाता छूट चुका है, मैं मर चुका हूं। अब आपके सामने हूं, मैं जो हूं जैसा भी हूं आपका हूं। बाबा मुझे प्यार भरी दृष्टि से जैसे निहार रहे हैं, बाबा जानते हैं वो पहचान है बाबा में कि मेरे आगे कौन सा बच्चा खड़ा है। जन्मों जन्मों से हम दोनों की प्रेम कहानी तो चलती आई है, आज मेरा बच्चा
मेरे सामने आ खड़ा है। मैं बस बाबा की दृष्टि में खो रही हूं। बाबा अपने की दृष्टि से जैसे कि निहार रहे हैं। मैं और मेरा बाबा क्षण की अनुभूति के लिए बहुत सारे सन्यासी, विद्वान, पंडित सब अपने जीवन न्योछावर कर दिए और मैं बाप के सामने अतीन्द्रिय सुख का अनुभूति कर रहा हूं। बाबा और कुछ नहीं चाहिए मुझे, जो पाना था सो पा लिया। जो जीवन में करना था वो कर लिया। अब तो मिला है, स्वयं भगवान से क्या कहूं। तुझसे क्या मांगू। तेरी मेरी प्रेम कहानी तो जन्मों जन्मों से चला आया है। बाबा मैं तुझ पर कुर्बान, कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू मिला सब कुछ मिला।
तो वही जाने जाननहार है। तू जानता है तो इस बच्चे का सब कुछ जानता है। तू बुद्धिवानों का बुद्धि है, मैं तुझ पर कुर्बान बाबा। तू चला रहा, मैं तेरे पीछे पीछे चलू। जो करना है मुझसे करवा, मेरा जीवन तेरे लिए। यह एक पल की दृष्टि मेरे जन्मों जन्मों का प्यास तपत बुझा देती है। कैसे कहूं शुक्रिया, ओम शांति।